हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बापूनगर में विधायक कुशवीर सिंह जोजावर ने 25 बीघा गौचर भूमि में 1000 पौधे लगाने का शुभारंभ किया। पर्यावरण संरक्षण को लेकर उपखंड के पालड़ी जोड़ पंचायत के राजस्व गांव बापूनगर में चारा गांव विकास के लिए पंचायत की ओर से लगाए जाने वाले पौधों के रोपण का शुभारंभ मंगलवार को मारवड़ जंक्शन विधायक कुशवीर सिंह जोजावर द्वारा किया गया। पूर्व प्रधान व जिला परिषद सदस्य हरिशंकर मेवाड़ा, सरपंच महेंद्र मेवाड़ा, लायंस क्लब हिल्स अध्यक्ष पंकजराज मेवाड़ा व सुमेर सिंह राजपुरोहित समेत गणमान्य की उपस्थिति में विधायक सिंह ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर व गौचर भूमि में एक एक पौधे का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जीव सदस्य मेवाड़ा ने बताया कि करीब 25 बीघा गौचर भूमि में 1000 पौधे लगाए जाएंगे, जिसकी सार संभाल पंचायत व लायंस क्लब हिल्स मिलकर करेंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में जन प्रतिनिधि, कांग्रेस जन व ग्रामीण जन मौजूद रहे। पौधारोपण को लेकर बापूनगर रावपुरा स्कूल में समारोह आयोजित किया गया। समारोह का शुभारंभ विधायक सिंह को माला व साफा पहनाकर किया गया। उसके बाद जन प्रतिनिधियों, कांग्रेस जन व प्रबंध जनों का बहुमान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक जोजावर ने कहा कि पेड़ पौधों से ऑक्सीजन हमें निःशुल्क मिल रही है, इसीलिए इसका मोल हमें पता नहीं है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने बता दिया कि मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन कितनी जरूरी है। इसलिए हमें अधिक से अधिक पौधे लगाकर इनके संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि बापूनगर के केवल एसटी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन इन्हें जनजाति क्षेत्र योजना विकास का लाभ नहीं मिल रहा है। इस मांग को सिरोही विधायक संयम लोढ़ा के साथ मिलकर विधानसभा में रखकर विकास के लिए अलग से बजट का प्रावधान करवाया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बापूनगर जाने के लिए रास्ता नहीं दिए जाने पर उन्होंने कहा कि इसे लेकर कलेक्टर को ज्ञापन देंगे व विधानसभा में भी मामला रखेंगे एवं जरूरत पड़ी तो दिल्ली तक भी जाकर समस्या का समाधान करवाएंगे। उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी ने बताया था कि कड़फ लगाओ तो गरीब की सेवा में लगाना, विकास में लगाना, कपड़ों पर मत लगाना। जवाई पूर्ण भरना परियोजना पर मांग को देखते हुए कहा कि सीएम अशोक गहलोत की इसे लेकर चिंतित है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जल्द इसके लिए सीएम बजट जारी करेंगे। उन्होंने बताया कि अंग्रेजी बबूल ने धामण घास को खत्म कर दिया है। जोजावर के जंगल से अंग्रेजी बबूल को उखाड़ फिकवा दिया। बबूल के उन्मूलन के लिए लगातार अभियान चला रहा हूँ। इसे जड़ मूल से खत्म करने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। साथ ही बबूल को निकाल धामण घास रोपनी होगी, नहीं तो आने वाले समय में मवेशियों के लिए मुश्किल हो जाएगा। अंत में उन्होंने कहा कि जो भी आपके मांगे हैं उन्हें जल्द पूरा करवाने के लिए प्रयासरत रहूंगा। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन पौधारोपण व जल संरक्षण के लिए समर्पित रहा है। आज हम बोतल में पानी पी रहे हैं, यही हाल रहा तो आने वाले समय में छोटे छोटे सिलेंडरों में ऑक्सीजन मिलेंगी। इसीलिए अधिक से अधिक पौधारोपण कर संरक्षण का संकल्प लें, जागरूक किया। पूर्व प्रधान व जीप सदस्य मेवाड़ा ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए, साथ ही इसके संरक्षण का भी संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि विधायक की अनुशंसा व बापूनगर में पानी की टंकी की निर्माण जल्द करवाया जाएगा। कार्यक्रम को अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित करते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए अंत में सरपंच महेंद्र मेवाड़ा ने सभी का आभार जताया। बापूनगर में ग्रामीण व भारुंदा सरपंच हिम्मत राम मीणा ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। जागरूक टीवी के सुमेरपुर से शंभूलाल परमार की रिपोर्ट।